हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे एक बेहतरीन शेयर असेलिया सॉल्यूशन, कितनी बार यहाँ पर वीडियो बनाई है, कितनी बार आपको वीडियो बना के आपको बताया है और किस तरीके से यहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये शेयर बेचा है। क्यों बेचा है? क्योंकि यहाँ पर नीचे खरीदेंगे अभी से। ओके, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होके यहाँ पर बेच दिया है। तो ये शेयर के पीछे मुझे क्या, देखिए केपीआईटी था। ओके, केपीआईटी मैंने एक दिन पहले बेच दिया। ओके, और आज ये नीचे है। ओके, और नीचे जाएगा। और असेलिया सॉल्यूशन, ये भी आईटी का है, ये भी आईटी का है, और ये मैंने नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा, उसके पीछे का क्या रीजन है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये शेयर मैंने बिल्कुल टॉप पर बेचा है। ओके, ये शेयर अब नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ओके, वो कैंडल भी बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, वो नजर आ रहा है। बट मजे आए, जिसे कहते हैं ना, आज देख के कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं सीख रहा हूँ और जो मैं सिखाता हूँ, ओके, वो एक्चुअली वर्थ इट है। ओके, और हर चीज यहाँ पर ऐसे ही काम करती हुई नजर आती है। अगर आपने यहाँ पर सीख लिया तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा स्टॉक मार्केट में। इसलिए बार बार कहता हूँ कि सीखने पे जोर दीजिए। एक बार सीख गए ना, थोड़ा टाइम जाएगा, 2-3 साल आप दे दीजिए, दिल लगा के पढ़ लीजिए इस चीज को। जैसे आप डॉक्टरी पढ़ते हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसे पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद पैसा बनेगा ही बनेगा। ओके, फिर आपकी स्टडी यहाँ पर खाली नहीं जा सकती। देखिए, शेयर धीरे धीरे नीचे आता है, सीधे टॉप पर बेचा है। मैंने यहाँ पर 1215 रुपए पे यहाँ पर बेचा है। क्यों? क्योंकि वहां से नीचे आ रहा था, यहाँ पर साफ दिख गया था। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकता हूँ। क्यों? मुझे जिस तरीके से यहाँ पर अंदाजा आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल बता रही है, उस बेसिस पे यहाँ पर मैं रियल टाइम में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ। देखिए, है ना, मेरे यहाँ पर इसने ये तोड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे ही तोड़ देगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हुआ नजर आऊंगा। कोई इशू नहीं है, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि शॉर्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है हर तरीके से। तो इसलिए आपके लिए बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल और रिसर्च की, रिसर्च के बेसिस पे मैंने असेलिया नहीं बेचा, मैंने केपीआईटी बेच दिया। और केपीआईटी नीचे चला गया, असेलिया 10% ऊपर चला गया। तो ये कैसे यहाँ पर पता चलती है, पहले ही तुरंत के तुरंत यहाँ पर बस चुटकी बजाते ही साथ, ये एक कला है, ये एक स्टडी है, जो आप अगर सीख जाते हो तो बड़ा आप यहाँ पर मजे आएंगे। ओके, और ये अपनी क्लासेस में लोगों को सिखा रहा हूँ। ओके, तो चाहो तो 8860540501 8169261037 कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, सीख पूछ लीजिए क्या है, क्या सिखा रहा हूँ, उस चीज के बारे में बात कर लीजिए कि सर आप, अगर आपको जिस भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि ऊपर आप अटक जाते हैं, नीचे यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट था तो आप अटक गए, बट मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, अगर आप यहाँ पर मेरी क्लास में होते हो, मैं दिखाता हूँ फॉल्स ब्रेकआउट था। ओके, और यहाँ से अब तेजी होगी बट थोड़े टाइम बाद होगी। तो वो सब चीजें किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, सारी चीजें क्लास में खुल के बता रहा हूँ। रिसर्च एनालिसिस, फंडामेंटल, मनी मैनेजमेंट, और लोग एक चीज को कराने के लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए छाप लेते हैं। यहाँ पर सिखाने का मकसद है, ओके, जस्ट जस्ट फॉर डेली अर्निंग एंड ब्रेड, आई एम जस्ट टेकिंग दैट चार्जेस 1-to-1, वो भी क्लासेस में एक बच्चे को 1 ईयर पूरा यहाँ पर प्रो बना के भेजना है। 8860540501 8169261037 कॉल कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन के आ जाए रिजल्ट, तो रिजल्ट इसके आ गए हैं और क्या रिजल्ट आया है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। कंपनी ने धमाल मचा दिया है, जो कि मुझे पता था कि इस बार धमाल मचाएगी, अगली बार शायद ये धमाल ना मचाए, बट इस बार मचा दिया है। और पिछले आने वाले 3 महीने में ये शेयर और धमाल मचाते हुए नजर आएगा, तो उसी चीज से हम रिलेटेड बातें करेंगे। रिवेन्यू अदर इनकम 10,448 ओके लाख रुपीज कंपनी करती क्या है वो आप सभी को पता है, मैं 1000 बार इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक दे दूंगा आई बटन पे, एक बार देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली बात क्या कर रहा हूँ। 1 महीने पहले 45 रुपए का डिविडेंड मिला था, चीजें नीचे आई थी, बेची नहीं, क्यों, चीजें पता थी ऊपर जानी है। ओके, यहाँ पर इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर और भी कितनी बार वीडियो बनाई है, असेलिया सॉल्यूशन 1 मंथ पहले, असेलिया सॉल्यूशन और भी इससे पहले यहाँ पर असेलिया सॉल्यूशन के बारे में काफी बार यहाँ पर बातें करी है। 5 महीने पहले आईटी का दिग्गज, यहाँ पर शेयर चल रहा है तब बताया था खरीद लो, जिसने खरीदा हो, वीडियो देखता है, जो जो हमारी वीडियोस को देख के सीखता है, सीखने पे एज वेल एज यहाँ पर ज्ञान लेने पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आता है। 2 वीडियो बना चुका हूँ, आज भी केपीआईटी गिरेगा, खेल खत्म। और यहाँ पर हम बात करें वाइट ऑर्गेनिक, एक शेयर है मल्टी बैगर शेयर, 333% के रिटर्न 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर मुझे नजर आते, देख लीजिए।
टोटल इनकम 10,448 लाख इन रुपीज, मतलब कितना 104 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके राइट, 104 करोड़ का यहाँ पर सेल हुई है। इससे पहले 96 करोड़ थी, इससे पहले 810 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी का सॉरी 81 करोड़ थी। कंपनी का ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे इनकम बढ़ी है। कंपनी ने अपने खर्चों पे लगाम लगा दी है, इस वजह से अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्सपेंसेस बड़े हैं बट उस तरीके से नहीं बढ़े हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो कितने कंपनी को 29 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ओके यहाँ पर देखिए कंपनी को 29 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले कंपनी को 27 था, इससे पहले 16। तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे क्या प्रॉफिट हुआ है वो आप समझ सकते हैं, लगभग डबल से थोड़ा सा कम। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 27 से 29 करोड़। तो ये तो रहा आपका थोड़ा सा व्यू। और इसका यहाँ पर आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेट नंबर। तो कंसोलिडेट नंबर आपको पता चलेगा कि 14 करोड़ से प्रॉफिट यहाँ पर 33 करोड़, 25 करोड़ से 33 करोड़ का प्रॉफिट है। इसलिए शेयर में क्या लगता हुआ नजर आया, शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है। 1200 रुपए के आसपास ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए या बेच लेना चाहिए, उससे रिलेटेड भी चार्ट से रिलेटेड बातें करूंगा, बताऊंगा कि चार्ट क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। पहले कंपनीज के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। कंपनी जो आप इंडिगो देखते हो, ओके, वो आईटी से रिलेटेड है, बट उसमें जो एयर्स यहाँ पर ग्लोबल एयरलाइंस और ट्रेवल इंडस्ट्रीज है जितनी भी, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वर्ल्ड की टॉप टॉप कंपनी और पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाता है वो नजर आता है, काफी बेहतरीन। ये स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसमें तो पीछे एक जीरो लगना चाहिए, ऐसी कंपनी है। और इसके पीछे जीरो लगेगा तो इसके पीछे भी जीरो लगेगा, तो ऐसी कंपनी ये नजर आती है। 1400 का 52 वीक हाई है, बट इसका हाई अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1531 के आसपास नजर आता है। शेयर ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है, डेट फ्री यहाँ पर शेयर है। कंपनी की आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं कि 87 रुपए वाला स्टॉक्स 2017 में 1600 रुपए पे था, अभी यहाँ पर है और फिर दोबारा 1600 रुपए पे ये जाता हुआ नजर आएगा। वो सब चीज मैं आपको आप चाहो तो यहाँ पर बता सकता हूँ। कंपनी के मार्जिन की बात करें, देखिए मार्जिन दिख रहा था मुझे यहाँ पर 41% या 31%, तो मुझे नजर आ रहा था 31 से तो बेहतरीन ही आएगा। हाँ अगली बार थोड़ा सा या थोड़ा बहुत यहाँ पर कम आ सकता है, अदरवाइज अगली बार के भी रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो कंपनी 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट और अच्छे देगी और उसके बाद कंपनी का प्राइस तो भाग ही लेगा। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर स्टेज 3, जो स्टेज 3 और स्टेज 4, तो वही स्टेज 3 और स्टेज 4 यहाँ पर आपको सीखना है। जो स्टेज 3 और स्टेज 4 को समझ गया, मार्केट में इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा ना, तो ऊपर के लेवल पे कभी अटकेगा ना नीचे के लेवल को कभी छोड़ेगा, इस चीज को याद रख लीजिए। तो यही चीजें मैं अपने कोर्स में बार बार कह रहा हूँ, सिखाता हूँ, तो इसलिए कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कंपनी ईपीएस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी क्या ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अच्छी खासी ग्रोथ थी बट अभी यहाँ पर कम हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, क्योंकि एयरलाइन से रिलेटेड था, एयरलाइन सब बंद थी, बट कंपनी दोबारा यहाँ पर बैक टू वर्क में आ गई है। और यहाँ पर देखिए क्या प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी अब अच्छा खासा प्रॉफिट करती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे कंपनी 43-39 के सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कभी कम नहीं आई, अब उसी रेंज में जा रही है। कंपनी का बोरिंग नहीं है, कैश है, सब चीज यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर देखिए FI हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, DII हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 23% के शेयर है। प्लूटस यहाँ पर जो प्लूटो वेल्थ मैनेजमेंट है उनके पास कितना 5% के शेयर है, यहाँ पर ये भी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। सब हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना है आपको। शेयर 1200 रुपए के आसपास चल रहा है। ओके कल देखेंगे, ओके कल मैं दोबारा री एंट्री ले सकता हूँ, अभी मैंने बेच दिया है। क्यों बेचा था वो बताया था सबसे पहले। ओके कंपनी का यहाँ पर देखिए शेयर प्राइस, ओके यहाँ पर इसने अब क्या बना लिया था, डे के लिए सपोर्ट बन रहा रेजिस्टेंस बना लिया है, और इस रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल बनी है, अगर इसका यहाँ पर लो टूट जाता चीजें यहाँ तक आ सकती है दोबारा। ओके तो यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा था, और प्रॉफिट को माँ लक्ष्मी को, वो भी दिवाली वाले दिन, और वो जब माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो जाने देना बेवकूफी थी। चीजें नीचे आ सकती है थोड़ी बहुत, ओके, और ऊपर जाएगी तो कल दोबारा री एंट्री लेंगे इसमें और फिर राइड करेंगे। और नीचे आएगी यहाँ पर के आसपास आएगी, ओके यहाँ पर 100-150 रुपए की गिरावट होती है तो एंट्री लेंगे। तो दोनों केसेस में यहाँ पर एंट्री लेंगे और फिर सबसे पहले टारगेट ये है। ओके बेहतरीन शेयर है, आने वाले अगले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले 27% के रिटर्न ये पक्के है,
ओके, और उसकी चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें और बेहतरीन बनती हुई नजर आ रही है। मंथली चार्ट पैटर्न पे मैं आपको ले गया हूँ। ओके, मंथली चार्ट मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं और ऊपर जाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा यहाँ पर सबसे पहले, और इस डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो चीजें ऊपर जाती है। डब्ल्यू पैटर्न ये यहाँ पर क्लासेस में भी सिखाया जाएगा कि कैसे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, और इसके बाद चीजें ऊपर जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी बेहतरीन है। ओके, ब्रेकआउट यहाँ पर इसने सबसे पहले यहाँ दिया था तो यहाँ पैसा बना था। ओके, अब ब्रेकआउट यहाँ देगा तो यहाँ पैसा बनेगा। स्टेजेस की बात करूं तो स्टेजेस में आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी ने किस तरीके से स्टेजेस क्रॉस करी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेज वन थी। ओके, फिर स्टेज टू थी, स्टेज थ्री, स्टेज फोर यहाँ पर गिरना होता है। स्टेज थ्री में बड़े लोग यहाँ पर शेयर बेचते हुए नजर आते हैं, छोटे लोगों को फंसाते हैं। अब यहाँ पर क्या नजर आता है दीजिए मुझे, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए स्टेज वन यहाँ पर निकल चुकी है, जैसे इसे क्रॉस करेगा स्टेज टू में आ जाएगा, और यहाँ पर स्टेज टू में और ऊपर जाके, ठीक है, फिर स्टेज थ्री, स्टेज फोर, इसी तरीके से ये चलती हुई नजर आती है चीजें। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे, चार्ट को पढ़ना सीखे। क्लास यहाँ पर सिखाता हूँ। ओके, सारी चीजें मोस्टली बता ही देता हूँ, बट स्टिल यहाँ पर जब सिखाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सारी चीजें ना बता पाऊं, और 3-4 साल का टाइम भी लग सकता है, बट यहाँ पर 1 महीने में ये सारी की सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं वो सब चीज सिखाई जाएगी, बताई जाएगी तसल्ली पूर्वक, और अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके पहले सीख लीजिए, और फिर पैसा तो जिंदगी भर बनेगा। टू अर्न मोर फर्स्ट लर्न मोर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।